हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम है और सबको हैप्पी होली। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं पीछे हमारे घर के पास होली की हुड़दंग बज रही है, तो हम आज होली के दिन आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये लीजिए नाश्ता लेके मैं बैठी हुई हूँ नाश्ता करने के लिए। आइए सब आप लोग होली के शुभ अवसर पे आप लोग भी साथ मिल के खाइए। और मैं होली की वीडियो डाउनलोड करूँगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखना, शेयर करना और लाइक भी करना। तो गाइज, आप देख रहे थे इशू ट्रैवल ब्लॉग्स और मैं हूँ आपकी दोस्त आपकी प्रियंका। और होली की ढेरों सारे शुभकामनाएँ, हैप्पी होली। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं इशू ट्रैवल ब्लॉग्स और मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए होली के मतलब 5-6 दिन अभी रह गए हैं, तो मेरे घर से खूब सारा देसी का घी आया हुआ है और ये देखिए गुजी आया हुआ है और ये खाजा है, इसको पात करके शक्कर में डालना है। और ये रहा गुजिया, इतना सारा गुजिया जो है वो मेरी मम्मी जो है मेरी सासू माँ वो उसने मेरे लिए भेजा हुआ है इतना सारा। मैंने बोली हुई कि हम लोग क्या इतना तो मैं खाती हूँ नहीं, तो फिर भी मतलब भेज दिए और खूब सारा मतलब ये देसी घी। तो मैं ना देसी घी भी आपको दिखाऊंगी कितना सारा देसी घी, 4 किलो। तो मेरे जो छोटे वाले भाई साहब हैं वो आए हुए थे, तो उसी के हाथ से उन्होंने ये भेजा हुआ था। तो आप सभी को होली की बधाई हो, लाख लाख बधाइयाँ हो। और आप मेरे तरफ से ये देखिए, ये हैंडमेड है, मम्मी जी ने बनाया हुआ है ये देखिए। तो थोड़ी सी वो अभी ना बुज़ुर्ग हैं तो ऐसे उन्होंने बनाया, और कुछ सांचे से ये देखिए, सांचे से बनी हुई ये देखिए कितनी प्यारी। और ये खाजा है, तो इसको खाजे को हम पात करके चीनी का शक्कर बना के और फिर डालेंगे। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। तो अब मैं इसे डब्बे निकाल रही हूँ, डब्बे में अरेंज करके फिर इसको रखती हूँ। और देखिए बने रहिए। और खाजा क्या कैसे बनता है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये बनाने के बाद ना इसको चाशनी में डाला जाता है। इसको चाशनी में अच्छे से आप जैसे डालोगे ना तो ये चाशनी को सोख लेते हैं। उसके बाद फिर एक एक पीस को आप अलग से रख दीजिएगा, जैसे करवा चौथ में हम खाते हैं ना मीठी मट्ठी की तरह, ऐसी है ये। तो आप देख रहे थे इशू ट्रैवल ब्लॉग्स और मैं थी आपकी दोस्त आपकी उस प्रियंका। और इतना सारा ढेर सारा गुजिया आया हुआ है हम सभी के लिए, आप लोग भी खाइए। कुछ को तो हमें ऐसे डब्बों में अरेंज करके रखते हैं और कुछ को फिर ये हमें बांटना भी पड़ेगा, और होली में कोई आएंगे तो उसको खिलाना भी पड़ता है। तो अब मैं डब्बों में, आप देखिए ये दही के ऐसे डब्बे होते हैं जो दही आते हैं उसमें मैं डाल के इसको रखी हूँ।